हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 रचना, जिसके लेखक हैं रघुवीर चौधरी, और ये पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक में से। तो ये चैप्टर, इसका थीम क्या है, यानी कि इस पाठ में हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं? रचना, क्योंकि ये शब्द पढ़ने के बाद, ये टाइटल पढ़ने के बाद हमारे जहन में बहुत सारे सवाल उठनेंगे कि ये टाइटल के हिसाब से ये कहानी किसी भी ओर हमें ले जा सकती है। लेकिन इस चैप्टर के माध्यम से जो लेखक हैं वो हमें एक एग्जाम्पल, एक ऐसी मॉरल वैल्यू देना चाहते हैं कि आजकल के जो युवक हैं किस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा किसी भी स्थिति को इम्पेशेंटली हैंडल करते हैं, यानी कि हमारे अंदर संयम जो है वो कहीं ना कहीं खो गया है। यानी कि किसी भी समस्या का हल हमारे सामने क्या है, हमारे जो युवक हैं, खासकर हम हमारे समाज में देखते हैं कि समय समय पर जो भीड़ निकलती रहती है, जुलूस निकलते रहते हैं, यानी कि विरोध प्रकट करने का जो एक तरीका है हमारे लोगों का, और जब भीड़ निकलती है तो रास्ते में आने वाली गाड़ियों को, घरों को जला देते हैं, आग लगा देते हैं, यानी कि हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, बसों को जला दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाता है। लेकिन लेखक जो हैं वो हमारे युवा वर्ग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम अपनी शक्ति का इस ओर, यानी कि डिस्ट्रक्शन की ओर उपयोग ना करके उसको एक पॉजिटिव वे में उसका उपयोग हम बनाने के लिए करें, नेशन बिल्डिंग के लिए करें, तो वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। और किस प्रकार से जो युवा वर्ग हैं उनको पेशेंटली, यानी कि संयम से किसी भी चीज़ को हैंडल करने का यहाँ पर उपदेश दिया गया है। तो ग्राम पंचायत के कार्यालय के दरवाजे पर गांव के कुछ लोग, युवा लोग थे, जिनमें निमेश, रमेश और नरेश जैसे लोग जो थे, ये और इनके साथ इनका जो पूरा ग्रुप था जो युवकों का, वो सब वहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तभी वहाँ पर गोपी आती है और वो अविनाश को ढूंढती है और सोचती है कि अविनाश आज मुझे प्रसाद जी की कविता समझाने वाला था, उस कविता का अर्थ समझाने वाला था, इसलिए वो अविनाश को ढूंढती है। रमेश गोपी से कहता है, अब उसी भीड़ के अंदर रमेश भी है, जैसे कि हमने चार युवकों के नाम पढ़े यहाँ पर, निमेश, रमेश और नरेश, और चौथा युवक हमने देखा यहाँ पर अविनाश। तो रमेश कहता है कि कविता का अर्थ समझने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे कुछ ठोस काम करना होगा, कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे कुछ फायदा उसको मिले, तो सिर्फ कविता समझने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए कैरेक्टर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तभी नरेश जो है वो गोपी से कहता है कि आज हम लोग अपने हाथों का कमाल दिखाने वाले हैं, यानी कि हम अपने हाथों का उपयोग करेंगे, यानी कि कुछ गड़बड़ करेंगे, मारामारी करेंगे, हिंसा करेंगे। रमेश कहता है कि आज हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, इस पंचायत के दरवाजे से हम यहीं पर बैठे रहेंगे और ना ही किसी सदस्य को, पंचायत के जो लोग हैं उस पंचायत घर के अंदर हैं, ना ही लोगों को हम हटने देंगे और ना ही हम लोग यहाँ से हटेंगे जब तक ये हमारे सवालों का जवाब ना दें। हमने इनको कितनी बार एप्लीकेशन पर प्रार्थना पत्र दिए हैं और कितने दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये हमें कोई भी जवाब नहीं देते हैं हमारे प्रश्नों का, और आज हार कर हम यहाँ उपवास पर, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब ये बात हो रही होती है तब वहाँ पर अविनाश नहीं होता है। नरेश जो है वो पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से अंदर देखता है। नरेश जब अंदर देखता है तो क्या पाता है, वो देखता है कि जो अंदर पंचायत के सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं पंचायत के, वो एक दूसरे के पास में, कान के पास में मुँह ले जाकर बातें कर रहे हैं, यानी कि मुँह में मुँह डाले जैसे लिखा गया, यानी कि बहुत ही नज़दीक नज़दीक जाकर गुटर गुटर कर रहे हैं, यानी कि कुछ बातें कर रहे हैं। तभी अविनाश आता है और उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, यानी कि बहुत ही डिसिप्लिन काइंड ऑफ पर्सन है, तो वो कहता है कि हमें किसी का भी तिरस्कार, यानी कि किसी का भी निरादर या किसी को भी बुरा भला हमें नहीं कहना चाहिए, और ये कहते हुए वहाँ पर अनशन पे उनको ज्वाइन करता है। अविनाश जो है वो पंचायत के जो पदाधिकारी हैं, यानी कि पंचायत के जो हेड्स हैं, उनके लिए एक पत्र लेकर आया है, एक आवेदन पत्र, यानी कि एक एप्लीकेशन लेकर आया है, तैयार करके लाया है, और वो पत्र जो है वो पत्र, उस पत्र के अंदर बहुत सारे घोटाले जो कि पंचायत में हुए हैं उन घोटालों की जानकारी दी है। अब वो पत्र चौकीदार को देता है और कहता है कि ये पत्र अंदर जाकर पदाधिकारी को दे दो, पंचायत के पदाधिकारी को। अब चौकीदार जो है वो काफ़ी देर तक अंदर ही रहता है और फिर वो बाहर आता है और कुछ बोले बिना चुपचाप कार्यालय, यानी कि दफ्तर था, जो ऑफिस था पंचायत का, उसको ताला लगाने लगता है। अब ये बात देखकर युवक, जो यंगस्टर्स जो हैं, वो उनको ये समझने में देर नहीं लगती है कि जो एप्लीकेशन दी गई थी अविनाश के द्वारा,
उसके अंदर लिखे गए घोटालों के बारे में जानकारी पाकर जो पंचायत के सारे सदस्य थे वो पिछले दरवाजे से भाग गए हैं और इसीलिए आगे से दरवाजे को ताला लगाया जा रहा है। ये देखकर सब लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो पंचायत भवन के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, उसको तोड़ फोड़ उसमें करने लगते हैं। अविनाश को ये अच्छा नहीं लगता है, वो लोगों से कहता है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो अपने सब युवकों से कहता है, अपने जो यंगस्टर्स के दोस्त हैं जो वहाँ पर अवेलेबल हैं सब लोग, उनसे कहता है, उस भीड़ को कहता है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें बात सुननी चाहिए, हम सिंपली ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको तोड़ने लग जाएं। और वो उसकी बात कोई नहीं सुनता है। इस पर अविनाश जाकर सामने खड़ा हो जाता है, अविनाश वहाँ पर दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है और प्रदर्शनकारी जो कि वहाँ पर अनशन पर बैठे हैं वो कहते हैं कि अविनाश तुम यहाँ से हट जाओ, आज हम किसी की नहीं सुनेंगे और ये पत्थरबाजी जो है वो जारी रहेगी। और इसी दौरान अविनाश जो है वो वहाँ से हटने से मना करता है, वो कहता है कि मैं तुम लोगों को इस बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा, इस रचना को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। तभी नरेश और बाकी जो उसके मित्र थे, नरेश, रमेश वगैरह, निमेश वगैरह, वो सब भी उसमें शामिल हैं और वो सब लोग पत्थर मार रहे हैं और इस पत्थरबाजी में जो अविनाश था वो पूरी तरह घायल हो जाता है। उसको जब पत्थर लगते हैं तो उसे चोट पहुंचती है, तभी वहाँ पर गोपी आती है और गोपी अविनाश के पास पहुंचती है। अविनाश उससे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पर आग के गोले भी बरस रहे होते तो भी मैं यहाँ से नहीं हटता, क्योंकि ये जो मकान बनाया गया है, इस मकान को जो बनते हुए मैंने देखा है और जब इसकी नींव भरी जा रही थी तब उसमें मैंने भी योगदान दिया था, यानी इसकी नींव को बनाने में मैंने भी मदद की थी। तो यानी कि इस मकान को, इस बिल्डिंग को बनाने में, इस ऑफिस को बनाने में मेरा भी योगदान है और ये कहीं ना कहीं मेरा ही है, हमारा ही है, इस कारण से मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं और ना ही किसी को पहुंचाने दूंगा। अविनाश की ये बात जब अनशनकारियों को समझ आती है कि भाई इस बिल्डिंग को तोड़कर तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, तो वो अपने किए पर अफसोस करते हैं, उन्हें पछतावा होता है। रमेश जो है जिसके पत्थर से अविनाश घायल हुआ था, वो उनसे माफ़ी मांगता है अविनाश से और कहता है कि आज तुमने सही अर्थों में हमें जगाया है, अपने प्राणों की बाजी लगा दी तुमने, अपनी जान वहाँ पर जोखिम में डालकर भी हमको समझ में सही मायनों में इसका अर्थ समझाया है। और ये बात देखकर अनशनकारी जो है वो संकल्प करते हैं कि वो किसी भी रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे और सहेंगे, यानी कि वेट करेंगे, यानी कि किसी भी समस्या का हल हिंसा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से आजकल छोटी मोटी बात होती है तो हमारे जो यंगस्टर, खासकर जो हमारे यंग तबके के जो लोग हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो बिना कुछ समझे, बिना किसी चीज़ को क्लैरिफाई किए वो भीड़ में शामिल हो जाते हैं और फिर हुड़दंग मचाते हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, सरकारी बसों को जला देते हैं। तो इस घटनाओं में हम जानते हैं कि बहुत सारा नुकसान होता है, आम लोग भी घायल होते हैं, पुलिस वाले घायल होते हैं और हमारे देश का बहुत सारा पैसा इन चीज़ों में वेस्ट होता है। तो लेखक जो है हमें यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं में, ऐसे जो किस्से होते हैं वहाँ पर हमें संयम से, पेशेंटली काम लेना चाहिए और जितना हो सके हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर रचना, जिसके लेखक हैं रघुवीर चौधरी। होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।